बहुत समय पहले की बात है। एक दिन रमेश सरपंच के बगीचे में साफ सफाई का काम कर रहा होता है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद जब वो रात को वापस आता है, आप हाथ मुंह धो लो, मैं जब तक खाना लगाती हूँ। माँ, आज आपने खाने में क्या बनाया है? आज बना है आलू गोभी। क्या माँ, जब देखो आलू गोभी, मुझे तो मुर्गा खाने का बहुत मन है, पर माँ रोज रोज आलू गोभी बना देती है। ठीक है, आज ये आलू गोभी खा लो, कल मैं मुर्गा ले आऊंगा, फिर खूब पेट भर कर खाना। काफी रात हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं। उसके बाद एक भूत उनके घर में घुस आता है और ऐसे घूम रहा होता है जैसे किसी की तलाश में है। ये इस गांव का आखिरी घर था, पर अब इस घर में भी कोई मुर्गी नहीं है, अब मैं क्या करूं? मैंने गांव के सारे मुर्गे मुर्गी तो पहले ही चुरा लिए हैं, पर वो सब मिलाकर 100 ही हुए हैं। अब 101 की गिनती पूरी करने के लिए आखिरी मुर्गा कहाँ से लाऊं? भूत निराश होकर घर से वापस जाने लगता है, पर अचानक उसे एक ख्याल आता है। क्यों ना मैं अंदर सो रहे उस बच्चे को ही मुर्गा बना दूं? ऐसे मेरे पूरे 101 मुर्गों की गिनती पूरी हो जाएगी। भूत दोनों में से राहुल को गोद में उठाता है और हवा में उड़ता हुआ घर से बाहर निकल आता है। राहुल इतनी गहरी नींद में होता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसे किसी भूत ने उठा लिया है। भूत उड़ता हुआ उसे एक घर में ले जाता है। उस घर में बहुत से मुर्गे मुर्गियां पिंजरों में बंद चिल्ला रहे होते हैं। उसके बाद भूत राहुल को जमीन पर लिटा देता है और उसके चारों तरफ लाल रंग का घेरा बना देता है। शैतानों के शैतान, ये है आपका नया मेहमान। भूत घेरे के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगता है और राहुल के ऊपर जादू करने लगता है। कुछ देर बाद राहुल एक मुर्गे में बदल जाता है। राहुल अपने पैरों की तरफ देखता है, पर उसके पैर तो पंजों में बदल चुके होते हैं। आखिर हो ही गए मेरे पास पूरे 101 मुर्गे, अब मैं कल से इनको गांव वालों को खिलाऊंगा, और जिस दिन ये सारे मुर्गे खत्म हो जाएंगे, उस दिन मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली भूत बन जाऊंगा। अगले दिन भूत अपनी दुकान खोलकर बैठ जाता है और गांव वालों को मुर्गे बेचने लगता है। दूसरी तरफ अगली सुबह रमेश वापस सरपंच के घर काम करने के लिए निकल रहा होता है। मैं जा रहा हूँ, शाम को आते वक्त राहुल के लिए मुर्गा लेता आऊंगा। जी ठीक है। रमेश काम पर चला जाता है और कमला अपने घर के कामों में लग जाती है। किसी को अभी तक इस बात का एहसास भी नहीं होता कि राहुल घर से गायब है। राधिका भी उठकर घर के काम में अपनी माँ का हाथ बटाने लगती है। राधिका, जरा इस राहुल को जाकर उठाना तो, दिन चढ़ाया है पर ये लड़का अभी तक सो रहा है। नहीं माँ, मैं जब उठी तब वो अपने बिस्तर पर था ही नहीं, वो जरूर अपने दोस्तों के साथ खेलने गया है। आप उसे कुछ कहते नहीं हो ना, इसलिए अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर बस खेल कूद में ही लगा रहता है। अब मैं क्या करूं? ये सुनता भी तो नहीं। आज आने दे इसे, अच्छे से इसकी खबर लूंगी। कमला और राधिका फिर से अपने कामों में लग जाते हैं। काफी देर हो जाती है, दिन के खाने का भी वक्त हो जाता है, पर राहुल घर नहीं आता। अब कमला और राधिका को राहुल की चिंता होने लगती है। इतनी देर तक तो कभी बाहर नहीं रहता। राधिका बेटा, तू जरा जाकर तो देख कि कहाँ खेल रहा है ये लड़का। जी माँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी उसे पकड़ कर लाती हूँ। राधिका गांव में हर जगह राहुल को ढूंढने लगती है और उसके सारे दोस्तों के घर जाकर भी उनसे राहुल के बारे में पूछती है, पर राहुल का कुछ पता नहीं चलता। वो घर आकर अपनी माँ को बताती है तो वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। अब तो इनके आने का ही इंतजार करना पड़ेगा, वो आएंगे तभी कुछ होगा। दोनों रमेश के आने का इंतजार करने लगते हैं और रमेश इस बात से अनजान कि उसका बेटा राहुल कहाँ है, वो सरपंच के बगीचे में काम कर रहा होता है। काम खत्म करने के बाद रमेश घर आने लगता है, तभी उसे याद आता है कि उसे राहुल के लिए मुर्गा लेना है। वो मुर्गा खरीदने जा ही रहा होता है कि तभी उसे आवाज आती है, मुर्गे की मीट ले लो, मुर्गे की मीट। अरे यहाँ कौन मीट वाला आ गया? खैर मुझे क्या,
मुझे तो मीट लेने से मतलब है। रमेश मीट की दुकान पर जाता है जहां वो भूत एक आदमी के भेस में दुकान पर बैठा होता है। उसकी दुकान में खूब सारे पिंजरे होते हैं जिसमें उस भूत ने अपने सारे मुर्गों को बंद कर रखा होता है। अरे भाई, ये दुकान पहले तो यहाँ नहीं थी। हाँ भाई साहब, मैंने आज ही ये दुकान खोली है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। चलो मुझे एक ताजा मुर्गा काट कर दे दो। आदमी के भेस में वो भूत सबसे पहले राहुल को ही पिंजरे से गर्दन पकड़कर बाहर निकालता है। राहुल अपने पापा को देखकर जोर जोर से चिल्लाने और फड़फड़ाने लगता है। रमेश को कुछ अलग सा महसूस होता है। उसका बिल्कुल मन नहीं मानता कि वो उस मुर्गे को कटवाए। अरे भाई साहब, आप इसे काटो मत, मैं इसे घर जाकर खुद काट लूंगा। आप मुझे ये मुर्गा ऐसे ही दे दो। मैं काटूं या ये आदमी, मुझे तो इन सब मुर्गों की मीट इन गांव वालों को खिलाने से मतलब है। क्या हुआ भाई साहब, मुर्गा नहीं देना क्या? जी जरूर देना है भाई साहब। आप ये मुर्गा पकड़ो और घर जाकर ताजा ताजा काट कर खाना। रमेश उस मुर्गे को घर ले आता है। वो कमला और राधिका को ऐसे रोते देख हैरान होता है। क्या हुआ तुम दोनों को, रो क्यों रहे हो? राधिका सारी बात अपने पापा को बताती है। हे भगवान, ये कैसे हो गया? राहुल ऐसे कैसे गायब हो सकता है? अभी कुछ दिनों से मैं हमारे गांव में मुर्गे मुर्गी चोरी होने की बातें सुन रहा था, पर आज तो हमारा बच्चा ही गायब हो गया। ये क्या ले आए? मैं तो आज राहुल के लिए ही मुर्गे का मीट लाने वाला था, पर पता नहीं क्यों जब दुकान वाला इस मुर्गे को काटने लगा तो मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं इसे जिंदा ही घर ले आया। अब इसे यहीं छोड़ो और अपने राहुल को ढूंढो। रमेश और कमला सुबह होते ही वापस राहुल को ढूंढने निकल पड़ते हैं, पर पूरे गांव में राहुल का कुछ पता नहीं चलता। वो निराश होकर घर वापस आते हैं तो उनका मुर्गा उछलता हुआ खुशी से उनके पास आकर चिपकने लगता है। क्या मुसीबत है ये, हटाओ इसे मेरे पास से। एक तो मेरा बेटा नहीं मिल रहा और ऊपर से ये मुसीबत। बहुत दिन गुजर जाते हैं पर राहुल का कुछ पता नहीं चलता। यहाँ भूत रोज दिन में अपना भेस बदल कर अपनी मुर्गे की दुकान खोल कर बैठ जाता है और जादू किए हुए मुर्गों का मीट लोगों को बेचने लगता है। काफी दिन हो जाते हैं और भूत के सारे मुर्गे खत्म हो जाते हैं, पर अभी भी उसमें वो शक्ति नहीं आती जो आनी चाहिए थी। कुछ तो गड़बड़ है, मैंने तो पूरे 101 मुर्गों की बलि देकर लोगों का उनका मीट खिलाया है, फिर मुझ में वो शक्ति क्यों नहीं आ रही? आखिर कहाँ कमी रह गई? भूत यहाँ वहाँ घूमने लगता है और उसे अचानक राहुल के बारे में याद आता है कि उसने बस उसी मुर्गे को बिना काटे बेच दिया था। कहीं वो बच्चा जिसे मैंने मुर्गा बनाया था वो अभी तक जिंदा तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस आदमी ने उसे मारा ही ना हो? आज अमावस की रात है, मुझे उस मुर्गे को रात 12 बजे से पहले ढूंढना होगा, वरना वो अपने असली रूप में आ जाएगा और मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। भूत उस मुर्गे को ढूंढने निकल पड़ता है, पर वो मुर्गा तो मजे से अपने ही घर में खेल रहा होता है। अब तो रमेश, कमला और राधिका सब उस मुर्गे को प्यार करने लगे थे। भूत सारे गांव में ढूंढने के बाद आखिरकार रमेश के घर पहुंच जाता है और मुर्गे को देखकर बड़ा खुश होता है। भूत घर में घुसकर मुर्गे को दबोच लेता है। वो बुरी तरह फड़फड़ाने और चिल्लाने लगता है। मुर्गे की आवाज़ सुनकर सब बाहर आ जाते हैं और भूत को देखकर घबरा जाते हैं। तूने इस मुर्गे को क्यों नहीं मारा? तेरी वजह से मेरी सारी मेहनत बर्बाद होने वाली थी। इस मुर्गे को छोड़ दो, ये हमारा है। कभी नहीं। भूत मुर्गे को लेकर भाग ही रहा होता है तभी मुर्गा उसके हाथ से निकलकर भाग जाता है। भूत उस मुर्गे के पीछे पीछे भागने लगता है। मुर्गा कभी पलंग के नीचे घुस जाता है। भूत उस मुर्गे को पकड़ने के लिए पूरे घर में भागने लगता है। इतने में 12 बज जाते हैं और वो मुर्गा अचानक राहुल बन जाता है। राहुल को देखकर सब लोग खुशी से पागल हो जाते हैं। वो भूत वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद राहुल सारी बात अपने घर वालों को बताता है
और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।